इन चारों वेदों में कहीं पर भी हठ योग करने की नहीं कही गई है। हठ योग करना, तप करना किसी भी सदग्रंथ में नहीं प्रमाणित है। ये काल की देन है जो जीव को भ्रमित करता है, और इन सिद्धियों के आधार से ये यहाँ भोली आत्माओं में एक पूज्य बन जाता है। तो इन ऋषि महर्षियों ने क्या किया, ओम नाम का जाप तो ले लिया वेदों से, और हठ योग तप ये ग्रहण कर लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने बता दिया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी और उन्होंने कहा था तप करो। तो इस कारण से ये सभी ज्ञानी आत्माएं, इन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम तो पूर्ण परमात्मा का मान लिया, और साथ में ये हठ योग परमात्मा का आकाशवाणी के माध्यम से आदेश मान लिया, और ऐसे ये साधनाएं करने लगे। अब उस ज्ञानी आत्मा का उद्देश्य ये था कि मैं कल्याण कराऊं, मेरा मोक्ष हो, और एक परमात्मा के अतिरिक्त मैं किसी ने पूजू नहीं। उन्होंने इस विधान के आधार से भी साधना की। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्दार, उद्दार माने समर्पित, नेक, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, परमात्मा को चाहते हैं, समर्पित हैं, लेकिन ये भी मेरे वाली अनुतम गति में ही स्थित रही। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है भूत की तरह, प्रेत की, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ये एक ओम मंत्र है उच्चारण करता हुआ सिमरण करने का, और जो अंतिम समास तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम। अब यहाँ ओम नाम के जाप से जो गति, जितना मोक्ष हो सकता है, वो इस ब्रह्म की परम गति है, इस ब्रह्म के लोक की परम गति है, अंतिम यानी श्रेष्ठ उपलब्धि है। और फिर यहाँ सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है, इसलिए सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 18 में ये प्रमाण दिया है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्दार, ये मुझ में लीन आत्माएं मेरे वाली उस ओम नाम से होने वाली जो उपलब्धि है, गति है, उस अनुतम गति में ही आश्रित हैं। पुण्य आत्माओं, इस तत्व ज्ञान को न समझकर इन भोली आत्माओं ने अनुवाद भी कर दिया, अनुवाद गलत कर दिया। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 7 है और श्लोक नंबर इस 15 में तो क्या कहा है,
ये यहां से नहीं समझ में आएगा, फिर यहां 12 से पढ़ना शुरू करेगा करेंगे 12 से। इस 12 में क्या कहा है, श्लोक नंबर 12 में, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण, सतोगुण तो विष्णु जी, रजोगुण ब्रह्मा जी और तमोगुण शिव जी, सतोगुण सतगुण यानी विष्णु जी से सती थी और रजोगुण से सृष्टि यानी जीव उत्पत्ति और तमोगुण से संहार जो भी होने वाला है, हो रहा है, होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, ये गीता ज्ञानदाता काल कह रहा है। अब 13 में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से, यानी इन्हीं पर आश्रित है, इन्हीं के अंदर इनकी श्रद्धा होने से ये सारा संसार प्राणी समुदाय समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर अलग मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब 14 में देखो, 7 में जाएंगे 14 में, ये 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति उद्भुत अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है ये त्रिगुणमयी माया बोली है, ये बड़ी दुस्तर है, ये बड़ी खतरनाक है, बड़ी खोटी है। जो पुरुष, जो साधक केवल मुझको निरंतर भजते हैं वो इसका उल्लंघन कर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले बेनिफिट से ये ऊपर उठ जाते हैं, इनसे अधिक लाभ ब्रह्म से मिलता है। यहाँ इसलिए 15 में कहा है कि इस माया के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जो उन मिलने वाले क्षणिक लाभ पर ही जो आश्रित हैं, उनका वहीं तक बुद्धि सीमित होगी है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे आसुर स्वभाव को, आसुर मीन राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। ये ब्रह्म कहता है ये मेरी साधना नहीं करते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी आपने गीता जी में पढ़कर सुनाता हूँ, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब कौन भजते हैं मुझको, 16 में कहा है, हे भारतवर्षियों में, भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वालों में अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे ये चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं। 17 में कहा है कि उन नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमा भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, वो बहुत अच्छा है ज्ञानी, इन चारों में तो ज्ञानी अच्छा है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। 18 में तोड़ फाड़ दिया, कमाल कर दिया। उद्दारा, उद्दारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, आस्थित सही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम। अब क्या बताते हैं, इसका अर्थ ये बनता है कि वे सभी ज्ञानी आत्माएं, सर्वे एते ज्ञानी तु आत्मा, ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार अच्छे हैं, ये मेरा मत है। परंतु वे आस्थित स ही युक्त आत्मा माम एवं, माम एव अनुतमाम गतिम,
अनुतमाम यानी कति घटिया। एक तो अनुतम होता है, एक अनुतमम यानी सबसे घटिया, अति घटिया गति यानी स्थिति में आश्रित है। इनका अनुवाद देखिएगा, ये सभी उदार हैं, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है। तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, नहीं ये अनुवाद ठीक नहीं है, मेरा मत है, यानी क्लियर नहीं है, मेरा मत है, ये मेरा विचार है, क्योंकि वह युक्त आत्मा, युक्त आत्मा माने जो भक्ति में लगा हुआ भक्त, मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त। अनुतमाम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम, यहां बात बिगाड़ रखी इन्होंने। अनुतम का अर्थ आप किसी चौथी कक्षा के बालक से पूछ लो, ये अनुवाद करता तो मैं ऋषि को आवे थे। अनुतम माने गटिया, जो उत्तम नहीं है, अनुतम। और गति माने गति स्थिति, मेरे से मिलने वाली गति यानी होने वाला लाभ वो अति घटिया अश्रेष्ठ, अति अश्रेष्ठ, अति उत्तम नहीं, अति अश्रेष्ठ, वो मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अब इसका क्या अर्थ है, सीधा आपको बता दिया कि सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा, ये सभी ज्ञानी आत्मा तो उदार हैं, एव मे मतम मेरे विचार अनुसार ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन आस्तित से ही युक्त आत्मा, वो अच्छी आत्मा मेरे वाली, युक्त माने लीन, परमात्मा में लगी हुई आत्मा, माम एव मेरे वाली ही, अनुतमा माने घटिया, गति माने स्थिति, होने वाले लाभ में आस्तित है, आश्रित है, इतनी सी बात है। अब इसको पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना को भी ओम नाम से होने वाले लाभ को यानी ब्रह्म साधना को भी अश्रेष्ठ बताया है। इसका कारण क्या है, और ब्रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना करने वालों को भी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। जैसे कल के सत्संग में भी आपको बताया था, रावण ने तमोगुण भगवान शिव की साधना की थी, राक्षस कहलाया, कैसे जुल्म किए, अपनी माता को उठा लिया यानी जगत जननी को, सीता को, और कहे तो मान्या नहीं, कितने जुल्म करा था, मांस खावे शराब पीवे यानी दूषित कर्म, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का भगत था, तपस्वी था, तमोगुण शिव का साधक था, शिव जी के साथ ही शत्रुता पैदा कर ली, भगवान शिव को धोखे में रखकर उनसे भस्म कड़ा मांग लिया, शिव जी को मारना चाहा, शिव जी जान बचाकर भाग लिए। उद्देश्य क्या था उस पाप आत्मा का, कि शिव जी को मारकर पार्वती को पत्नी बनाऊं, और तमोगुण शिव जी का भक्त, परम भक्त। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में जो वर्णन दिया है 15वें में, कि जिनका त्रिगुण महिमा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक ही जिनकी बुद्धि टिकी हुई है, इन्हीं की साधना करके, इन्हीं से कुछ सिद्धियां प्राप्त करके, इसी कुछ में संतुष्ट हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो वहीं तक सीमित हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये चार गालियां इकट्ठी दे रखी हैं गीता में ऐसे व्यक्तियों को। और वो कैसे हैं वो आपके सामने उनके कर्म देखो, भस्मागिरी, फिर भस्मासुर कहलाया वो, जब उसने ऐसे दुष्ट कर्म किए, वो तमोगुण शिव का उपासक था। फिर हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा रजगुण का उपासक था, उसने अपने पुत्र का के साथ ही